फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यंजन भट्टी का रसोई में। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी स्वादिष्ट और कुरकुरी इमरती। इमरती बनाने के लिए चाहिए उड़द दाल 1 कप। इसे 2-3 बार धोकर और 4-5 घंटे भिगो लीजिए। पानी में भिगो कर रख दीजिए जिससे सॉफ्ट हो जाएगी। शक्कर 2 कप, कलर थोड़ा सा, घी फ्राई करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने 4-5 घंटे उड़द दाल भिगो कर रख ली थी, इससे सबसे पहले छान लेंगे। इसका पूरा पानी निकाल देंगे। जब इसका पानी निकल जाएगा अच्छे से, तब इसे मिक्सर के जार में पीस लेंगे। थोड़ा पानी डालते हुए 3 या 4 चम्मच पानी लगेगा इसमें, और गाढ़ा पेस्ट बनाइए। ये हमने अच्छे से पीस लिया है। इसे ये बारीक पेस्ट तैयार हो गया। यदि आपको लगता है कि पेस्ट गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच और पानी डाल दीजिए, जिससे आपका स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए शक्कर 2 कप और 2.5 कप पानी डालना है, या 250 ग्राम शक्कर में 300 ग्राम पानी डालना है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है हमें, और बहुत ज़्यादा पतली भी ना रहे। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए शक्कर को। अब इसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। 1/2 चम्मच हमने केसर और 1/2 चम्मच कलर डाल दिया है। इससे इमरती का कलर बहुत ही सुंदर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। अब चलिए हम वो पेस्ट निकाल लेते हैं जो हमने दाल का पेस्ट तैयार किया था पीस कर। ये देखिए, इतना थिक पेस्ट होना चाहिए। अब इसमें हम 1/2 चम्मच कलर मिला देंगे। हमने लिक्विड कलर मिक्स किया है। यदि आप सूखा कलर डालते हैं तो थोड़ा सा उसको पानी में घोलकर फिर मिक्स कीजिए। ये देखिए, और इसको अच्छे से फेंटना है। अच्छे से मिक्स करते रहिए, क्योंकि दाल भिगोई हुई रहती है तो वो हैवी हो जाती है। अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद इसको एक कॉर्न में निकालेंगे, या तो आप मेहंदी की जैसे कॉर्न बनाते उस तरह से बना लीजिए, या आप कोई पॉलीथीन का साइड में कट करके कॉर्न बना सकते हैं। अब देखिए, अब एक पैन लेंगे और उसमें घी गरम करेंगे। ये तब तक चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब उसमें इलायची पाउडर डाल के अलग रख देंगे। अब ये देखिए, कॉर्न से घी गरम हो गया हमारा। बढ़िया सा इमरती का शेप दे दीजिए। इस तरह से आराम से 2 बार गोले बनाइए, और उसके ऊपर वाले पार्ट में छोटे छोटे पीस, ये इस तरह से। ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हो रही है। ये हमारी इमरती रेडी हो गई। इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। ये अब जो पेस्ट बचा हुआ है बाकी का, उसके भी बना लेंगे। ये इस तरह से 2 गोले बनाइए, और उसके ऊपर छोटे छोटे डिज़ाइंस बना लीजिए। और यदि आपसे ये शेप नहीं बनता है तो कोई भी शेप बना सकते हैं आप। जलेबी का भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया इमरती तैयार हुई है। अब इन सभी को हम चाशनी में डाल देंगे और 5-10 मिनट के लिए रख देंगे।
अच्छे से चाशनी ऊपर तक कर देंगे और मिक्स करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि चाशनी अंदर तक चली जाए। अब ये देखिए 10-15 मिनट बाद जब आप निकालेंगे तो इतनी बढ़िया तैयार हुई हैं ये हमारी क्रिस्पी इमरती तैयार हैं खाने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी हुई है। इमरती बनाने के लिए कुछ टिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 1, इमरती के लिए उड़द दाल का जो पेस्ट आपने तैयार किया है वह बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ गाढ़ा पेस्ट तैयार कीजिए। टिप नंबर 2, उड़द दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से फेंटना है, नहीं तो इमरती क्रिस्पी नहीं बनेगी। टिप नंबर 3, इमरती की चाशनी ना बहुत ज़्यादा पतली होना चाहिए ना ही बहुत गाढ़ी होना चाहिए। टिप नंबर 4, यदि उड़द दाल का पेस्ट ज़्यादा गीला हो गया है तो उसमें कॉर्नफ्लोर या 1 चम्मच मैदा मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से आप बहुत ही स्वादिष्ट इमरती बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।